मूवी की शुरुआत क्रिसमस इवनिंग से होती है जहाँ हम मैदल जो कि एक लॉयर के साथ में उसकी खुद की अपनी सोलर पावर की कंपनी भी होती है मैनल अपनी वाइफ जूलिया के साथ में आज अपनी बहन बैलिन के घर क्रिसमस इवनिंग पर उनसे मिलने आया था मैनल अपने भतीजे कार्लोस के साथ में ढेर सारी मस्ती करता है काफ़ी इन्जॉय करता है पर जूलिया ये सब देख कर कि के अबसेट थी बैलिन के हस्बैंड का वेट करते करते उनको बहुत लेट हो चुका था तो अब मैनल अपनी वाइफ चूलिया के साथ में वापस घर लौटता है रास्ते में चूलिया मैनल से बच्चे का कहती है दरअसल उनकी शादी को भी पाँच साल हो चुके थे और उनको अभी तक बच्चा नहीं था दरअसल मैनर अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं था या फिर यूँ कहें कि वो बच्चा नहीं चाहता था या फिर यूँ कहा जाए कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था वो दोनों बातों में इतनी बिजी हो गए कि वो ये भूल गई कि इस समय वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं और जो गाड़ी रोड पर खड़ी है और तभी एक बड़ा सा ट्रक इतनी स्पीड में आया वो उनकी आंखों के सामने उन्हें हिट कर चला गया और इस एक्सीडेंट में जूलिया की डेथ हो जाती है मूवी आफ्टर वन ईयर दिखाई जाती है हम मैनल को देखते हैं जो कि आइसोलेट में रहने लगा था बस उसकी कैट लूकुल उसके साथ रहती है मैनल जब सोकर के उठा तो टी पर हम एक न्यूज़ फ्लैश होता हुआ देखते हैं कि सिटी में कोई वायरस स्प्रिट हो रहा है पर मैनल अभी तक जूलिया के गम में था वो न्यूज़ पर ध्यान ही नहीं देता मतलब कि बस वो अकेलापन दूर करने के लिए टीवी को लाउड आवाज में ऑन कर देता था मैनल अपनी पोर्ट का सौदा करने आया जहाँ उसे एक ब्रेसलेट नजर आया जो कि चूलिया का था जिसे देख करके उसे चूलिया की याद आई और फोटील कैंसिल कर देता है मैनल को पार पर उसकी बहन बेलिन का कॉल आता है पर मैनल ध्यान नहीं देता अब रात को मैनल खुद से बेलिन को वीडियो कॉल करता है बेलिन उसे उस पैरस के बारे में बताती है उसे अपने पास आने का बोले पर मैनल मना करता है कि वो उसके पास नहीं आ सकता पर बेलन बोले ठीक है जब हालत ठीक हो जाए तो वापस लौट जाना मैनल भी अपनी बहन की बात मान गया और अगले ही दिन वो ब्रिफकेस लेकर के एयरपोर्ट पहुंचा तो देखा सडनली सभी मशीनें काम करना बंद कर देती हैं इवन सभी फ्लाइ फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी और अब सभी को एक अलर्ट मैसेज आया कि पूरे शहर में इमरजेंसी लग गई है ये देख कर के एक बंदा पैनिक होकर के सिक्योरिटी गार्ड की गन छीन करके फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है इससे एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई सब अपने अपने घर को लौटने लगे जिससे रास्ते में इतना ट्रैफिक हो गया कि मैनल कार को वहीं रोड पर छोड़ करके पैदल घर कर पहुंचा तो देखा उसके नेबर को एक एम्बुलेंस पकड़ करके लेकर के जा रही है दरअसल उसका नेबर उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था पर मैनल फिर भी कुछ खास रेक नहीं करता पर जब वो सुपरमार्केट आया तो देखा लोग आपस में खाने के सामान को लेकर के छीना झपटी कर रहे हैं मैनल को भी जो मिला वो लेकर के निकल गया रास्ते में उसने देखा कि एक चॉम्बी एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था मैनल उसे बचाने आया पर वो जॉम्बी मैनल की तरफ झपटता है पर ऑफिसर जॉम्बी को शूट कर मार देता है साथ ही वो खुद को भी शूट कर लेता है क्योंकि वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका था अब मैनल घर आकर के न्यूज़ देखता है तो उसे समझ आ गया और अब वो सबसे पहले मैनल खुद के प्रोटेक्शन के लिए खुद को घर में इस तरह से लॉक कर लेता है कि कोई उसके घर में एंट्री ना कर सके अब पूरे शहर को खाली कराया जा रहा था लोग मैनल के घर भी आते हैं पर काफ़ी देर तक तो कोई रेस्पॉन्स न मिलने पर फोर्स को लगा वहाँ पर कोई नहीं है फोर्स वहाँ से चली गई और अब मैनल पूरे शहर में अकेला बचा था कुछ दिन तक सब ठीक रहा पर जल्दी ही उसका खाने का सामान खत्म हो गया जब वो वापस खाने की तलाश में निकला तो उसी घर में गैपिल्ला मिली जो कि वीर जेपर थी दोनों को एक दूसरे का सहारा था या फिर यूँ कहें कि कंपनी मिल चुकी थी अब खाने की तलाश में मैनल को एक बाइक मिली जिस पर वो सवार होकर के मैनल खाना ढूंढता जिसे वो गैपिला के साथ मिलकर के शेयर करता खाने की तलाश में उसे एक घर में एक रेडियो मिला जब वो उसे प्ले करता है तो उसे एक मैसेज मिला कि नॉर्थ साइड में कुछ लोग हैं और अगर किसी को भी कोई भी मदद चाहिए तो वो उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिस पर मैनल फ़ौर कैपेला से भी रेडी रहने का कहता है पर अगले दिन जब वो कैपेला को लेने आया तो देखा वो थी दरअसल वो किसी पर भी पोज बनना नहीं चाहती थी इसलिए उसने ऐसा किया था मैनल जैसे ही अब उसके घर से बाहर निकला तो एक जॉम्बी उस पर हमला कर देती है जो कि फ़ीमेल जॉम्बी थी मैनल उससे बचने की काफ़ी कोशिश करता है पर वो एक जॉम्बी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो बार बार उस पर हमला कर रही थी आंखें में वो उसे मार डालता है क्योंकि उसके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था पर उसे उसके लिए बहुत दुख भी था और अब मैनल अकेला बाइक लेकर के निकल पड़ा पर कुछ ही दूर जाने पर उसे रास्ता ब्लॉक मिला अब मैनल दूसरे रास्ते से जाता है जहाँ पर वो जो कि जंगल के रास्ते से जा रहा था जब ढेर सारे चॉम्बे उसके पीछे पड़ गए पर मैनल बाइक पर था तो चॉम्बे उसे पकड़ नहीं पाते पर जब उसने लाशों का ढेर देखा जिसे देख कर के वो पैनिक होकर के गिर गया जब मैनल वापस से बाइक स्टार्ट करता है पर अब बाइक स्टार्ट नहीं हुई ये देख करके कि चॉम्बी उसी की तरफ आ रहे हैं तो वो बाइक को छोड़ कर के अपने कैट की केस को उठा कर के पैदल भागा और एक केबिन के अंदर पहुंचा पर वो केबिन को तोड़ कर के अंदर आ रहे थे लेकिन मैनल किसी तरह उनसे बच कर के एक बोर्ड तक आ गया मैनल चैन की सांस लेता है पर वो बोर्ड स्टार्ट नहीं होती पर किस्मत उसकी यहाँ भी उसका साथ नहीं देती उसे कुछ आवाज़ आई जब वो बोर्ड के अंदर आया तो देखा एक बच्चा जॉम्बी बना बैठा था अब मैंने उस बोर्ड को छोड़ करके दूसरी पोर्ट लेकर के निकल पड़ा जो कि उससे भी छोटी थी मैंने अपनी बहन को ऑडियो मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था कि शायद कभी नेटवर्क आ जाए तो उसके उसकी उसकी बहन को खबर लग जाए पर कुछ ही दूरी पर उसकी बोर्ड बंद पड़ गई काफ़ी कोशिश करने के बाद भी बोर्ड स्टार्ट नहीं हुई तभी उसकी नज़र एक दूसरी बोर्ड पर गई जो उसी की तरफ आ रही थी वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और वो लोग अदर कंट्री के लोग थे पर उन लोगों को मैनल की लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही थी पर उनमें एक बंदा था जिसका नाम हैंको था वो भी मैनल की तरह सर्वाइवल था वो मैनल की लैंग्वेज अच्छे से समझता था, था साथ ही वो उन लोगों की भी अब हैंको उन लोगों को बताता है कि वो एक डॉक्टर है जबकि मैनल एक लॉयर था दरअसल हैंको बस मैनल को बचा रहा था डॉक्टर का सुनकर के वो लोग मैनल को अपने शिप पर रख लेते हैं क्योंकि उन्हें भी इस कंडीशन में डॉक्टर की जरूरत थी रात को मैनल नींद में था बट उसकी आँख खुली तो वो कुछ लोगों को देखता है जो कि छोटी सी नाव पर सवार थे और हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे नेक्स्ट डे मैनल हेंको से पूछता है रात के लोगों के बारे में पर हैंको ने कहा मुंह बंद करके रहो अगर जिंदा रहना है अब मैनल हेंको के बॉस को उस जगह के बारे में बताता है जहाँ उन्हें उनकी ज़रूरत का सामान मिल सकता है पर मैनल उसी रात वाली बोट को अपने शिप पर देख लेता है उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो सब कहाँ गए और ये बोट यहाँ पर कैसे आई वो है से बात करता है पर हैंको बोला वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता पर मैनल ने कहा तुम एक पायलट हो मुझे पता है यहाँ पर बस एक ही जेट है जिसे हम ले करके जा सकते हैं मतलब कि हम अपनी जान बचा सकते हैं और उस चैट के बारे में मुझे पता है और तुम एक पायलट हो तो हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए पर हैंको ने कहा अगर जिंदा रहना है तो मुंह बंद रखो पर मैनल चुप नहीं बैठा वो वहाँ से भागने को था कि उसे वही रात वाले बोर्ड के दो बंदे मिले जिनके हाथ मुँह बने थे मैनल उनको फ्री करने लगा पर उनमें से एक बंदा पैनिक होकर के जोर जोर से चिल्लाने लगे तभी वहाँ पर गार्ड आ गया वो उसे शूट कर मार देता है और अब वो मैनल पर गन पॉइंट किए था पर तभी हैंको वहाँ आ गया दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें गार्ड मारा गया अब हैंको मैनल और वो बंदे को साथ में लेकर के पोर्ट वाला जो बंदा था तीनों एक छोटी सी पोर्ट लेकर के निकल गए पर वो लोग उन्हें देख लेते हैं जिसमें से एक बंदा मारा गया अब हैंको और मैनल था जिसमें हैंको घायल था पर मैनल हैंको को लेकर के सिटी आ गया वो एक कार लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा जहां पर जूलिया का ट्रीटमेंट हुआ था अब मैदल को हैंको की बॉडी से बुलेट निकाल लेती वो सामान ढूंढता है पर तभी कुछ जॉम्बीज मैदल को देख लेते हैं पर मैदल उनसे बचता वापस हैंको के पास आया पर हैंको उसे कहीं नजर नहीं आया पर तभी एक विंडो खोलती है जिसमें से एक नर्स उसे अंदर आने का बोलती है मैदल भी फौरन चला गया क्योंकि जॉम्बी उसके पीछे पड़े थे उसने देखा हैंको और उसकी कैट भी वहाँ पर सेफ थी वहाँ पर तीन बच्चे थे जिनके माँ बाप भी जॉम्बी बन चुके थे हैंको की बुलेट निकाल दी गई थी नर्स मैनल को हेलीकॉप्टर दिखाती है पर उस तक पहुंचना नामुमकिन था पर अब मैनल के फोन में नेटवर्क आ गए उसने देखा उसे उसकी बहन के ढेर सारे वीडियो मैसेजेस पड़े थे पर उसने देखा कि वो पायलट्स भी उन दोनों की तलाश में वहाँ आ गए थे मतलब कि अब उन्हें वहाँ से निकलना होगा अब वो सब बंक के रास्ते वहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि उन्हें हर हाल में उस हेलीकॉप्टर तक पहुँचना होगा अगर उन्हें उनसे बचना है पर जब वो बंकल के दरवाजे को खोलते हैं तो एक चौंबी एल्डर नर्स पर हमला कर देता है एल्डर नर्स अब आगे उनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी पर वापस से कुछ चौम्बी उन पर हमला कर देते हैं तो वो लोग खुद को एक केबिन में लॉक कर लेते हैं वहीं उन जॉम्बीज़ को पायलट्स मार देते हैं पर उन्हें अभी तक हैंगो और मैनर के बारे में पता नहीं चला था कि वो वहीं पर मौजूद है पर अब भी हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए उन्हें जॉम्बी का सामना करना था पर मैनर को आइडिया आया अब वो सब एक केस के सहारे हेलीकॉप्टर तक जाते हैं रास्ते में जॉम्बी वापस उन पर हमला कर देते हैं पर उनसे लड़ते हुए वो लोग किसी तरह उस पेमाइसिस तक पहुंचे जहां पर हेलीकॉप्टर खड़ा था और वो सभी लोग अब हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं पर जॉम्बिस उस पेमाइसिस में आने लगे थे मैनल उन्हें रोकने आया पर अब वो पायलट्स भी वहां आ गए दरअसल वो लोग हेलीकॉप्टर चाहते थे वो अब उन सबको हेलीकॉप्टर से निकलने का कहते हैं पर को मैनल को फिर का से इसका किट खोलने का इशारा करता है क्योंकि उसी कीट के पीछे ढेर सारे जॉम्बीज खड़े थे और हम देखते हैं कि जैसे ही मैनल उस गेट को खोलता है सभी जॉम्बिस उन पायलट पर टूट पड़े वही हैंको हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर चुका था और अब मैनल भी जोप से हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया मतलब कि अब वो सब सेफ थे साथ ही खुश भी थे मैनर को बैलिन का कॉल आया जो उसे उसके घर आने से मना करती है मतलब कि अब वो वायरस वहाँ पे स्प्रेड हो चुका था और अब हमें हाँ दो फाइटर जेट को दिखाया जाता है जो उन्हीं के हेलीकॉप्टर के पास से गुजरते हैं जो वहीं जा रहे थे जहाँ पर उसकी बहन बेलिन रहती है और इसी सस्पेंस के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि अब आगे वो कहाँ जाएंगे और ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे